आज वो दिन आ गया जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा था पूरे 5 दिन लग गए हमारा पार्सल रेडी होने के और हमारे पास आने का। सो अब ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है यार, चलो खोलते हैं हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो, चलो स्टार्ट करते हैं। सो यार पैकिंग तो बहुत अच्छी थी पार्सल की और मेरा लक बहुत अच्छा था उस दिन, क्योंकि मम्मी उस दिन कुछ काम से बाहर गई थी और अगर मम्मी के हाथ में अगर वो पार्सल लगता तो शायद मम्मी वहीं पर रास्ते में ही उसको लेती नहीं और वहीं पर उसको डिलीवरी बॉय के हाथ वापस कर देती। सो यार वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। और पापा तो भाई पापा कुछ अभी बोल नहीं सकते, पापा को पता ही नहीं था मैंने क्या ऑर्डर किया है, वो हैरान थे कंफ्यूज थे। तो यार पापा तो ऐसा रिएक्शन दे रहे थे जैसे मैंने कोई बॉम ऑर्डर कर दिया है और एकदम दूर से देख रहे थे पापा पूरी अनबॉक्सिंग। सो मैंने हाथ में उन्होंने सैनिटाइज़र दिया तो सैनिटाइज़र मार मार के मैं खोल रहा था क्योंकि अब बोल नहीं सकते वो कितने, मुझे यानी भरोसा नहीं है, यानी बोलते नहीं आता वो कितना कितना वो करेंगे। तो अपनी तरफ से भी हम कुछ छोड़ना नहीं चाहिए कसर, हम अपनी तरफ से भी ट्राई करना चाहिए। सो ये थ्रस्ट मास्टर का एक व्हील है, स्टेयरिंग व्हील ऑर्डर किया था मैंने जो कि है, और मुझे इसमें जब खोलते टाइम ना एक पिन भी चुभ गई थी। सो तो ओवरऑल भाई ये हमें बॉक्स तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था मुझे इसका बाहर से, और अंदर तो भाई वो देखो 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 मैं एक्साइटमेंट कितना था मेरे अंदर। मैं फिर कुछ पार्ट्स निकल रहे थे जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये पार्ट्स लगाने किधर है, और पापा को दिखाया कि स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग व्हील है, इसके अंदर गेम खेल सकते हैं। भाई पापा तो कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे इसकी मम्मी आएगी तो वही से ठीक करेगी। और ये इसका पैडल था, पैडल दो पैडल का सेट था, वो देख रहा था मैं, बहुत बहुत हार्ड थे। जब मैं हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा था पैडल्स को तो हाथ से दब ही नहीं रहते भाई, बहुत ही हार्ड पैडल है उसके। और इसका मैनुअल कौन पढ़ता है वैसे, इसको मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा कि इसके अंदर कुछ बिल तो नहीं है, और उसका जो बिल है वो मैंने इसके क्या बोलते हैं इसकी पैकिंग के साथ फेंक दिया था और मेरे पास बिल भी नहीं था इसका। तो अब अगर चालू हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। सब मैं इसको चेक कर रहा हूँ और देखते हैं ये कैसा चल रहा है। सो इसके जो शिफ्ट है वो सब मैंने सेटिंग कर दिया है, फ्रोजा हॉराइजन 4 खेल रहा हूँ मैं मेरे लैपटॉप में। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए लैपटॉप की या तो इस तो मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। सो ओवरऑल तो भाई बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस था मेरा। स्टार्टिंग में मैं बहुत डर डर के चला रहा था स्टेयरिंग को क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहीं टूट ना जाए, इसकी स्प्रिंग ना टूट जाए या कुछ हो जाए इसे। सो मैं बहुत डर डर के चला रहा था और ज़्यादा इसको खींच नहीं रहा था। और बाद में भाई मुझे पता चला कि यार इसको कुछ दिनों से खेलने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारा जो स्टेयरिंग है उससे ज़्यादा वो करने से ही हम अच्छे से खेल सकते हैं, कंट्रोल में रहता है। सो मैंने इसको बाद में अच्छे से कंट्रोल किया और कुछ वीडियोस भी अपलोड की थी इसके रिलेटेड, तो आप देखिए उन्हें कैसा है मुझे बताइए और कमेंट में